हाय गाइज, आप सब भाइयों का अपना चैनल विवेक गोल्ड ने यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, बाकी कमेंट तो करोगे ही आप लोग, मुझे पता है। आज की जो वीडियो है ना, आज मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट किया है छोटा सा, पुअर वर्सेस रिच, और आज की वीडियो एकदम भौकाल कटने वाला है, भौकाल। और वीडियो मेरी ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, हो गया बस करो। एक्सक्यूज मी जस्ट मैं आपसे बात करनी थी, हाय कर लीजिए। एक्चुअल में यार मैं आ रहा था तो मेरा वॉलेट खो गया बाहर से, और मैं किसी से बोल भी नहीं सकता हूँ, आप मुझे कुछ अगर हो तो हेल्प कर दो, फिर मैं आपको दे दूँगा, ऐसे नंबर दे दो, नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू, इट्स ओके। मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना कौन पराया। नमस्ते, आप यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई हैं, हम उधर से चल के आ रहे थे, हमारा पर्स खो गया, तो आप हमें कुछ पैसा दे सकती हैं? दे देंगे आप हमें? अरे वाह, क्या बात है, आपने हमें 100 रुपये दे दिया, हम आपका दिल इतना बड़ा है। रुकिए 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 रुकिए, हम आपका पैसा नहीं लेंगे। अरे नहीं, अरे लीजिए, अरे नहीं यार, आप क्या कह रहे हो, अरे नहीं नहीं, ये पकड़िए, अरे नहीं आप पकड़ लीजिए, अरे आप बेटा समझ के हमें रख लीजिए, बेटा 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 समझिए आप, हमें अपना बेटा समझिए, आशीर्वाद दीजिए, नहीं बेटा समझ के हमारे कहना मान लीजिए, आप रख लीजिए। अच्छा 500 रुपये रख लीजिए, चलिए 500, इतना इतना हमारी बात, 500 रुपये रख लीजिए। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। ए नैना, अश्क ना हो माना, कल से होंगे हम दूर। नैना, अश्क ना हो नैना। ये कितने का दिया बेटा? 10 रुपये। सुबह से कितना बेच लेते हो दिन भर में? अभी क्या बोलता है, धूप में, इतना धूप में धंधा नहीं होता है संगम पे प्रयागराज में। आज बिका है कुछ तुम्हारा? कुछ नहीं बिका, अभी जाता हूँ कम पानी बाग, वहीं बच्चे ले जाता है, इसलिए धंधा करेंगे, कुछ जाएगा। मतलब आप सुबह से तुम्हारा कुछ नहीं बिका है? ले लीजिए भाई, आप कुछ खिलाऊंगा। अच्छा नहीं, हम ले लेंगे पहले तो, पहले तुम भैया, हाँ ले लेंगे, पहले ये बताओ कि इतनी धूप है, तुम बेच रहे हो, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ है? मम्मी डैडी कहाँ है तुम्हारे? हमारा घर में है। कहाँ? दारागंज में रूम है, मालिक का साथ है। मालिक के साथ में हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ के? बिहार का, वहीं किसान करते हैं। बिहार के तुम्हारे मम्मी पापा किसानी करते हैं, और तुम वहाँ से यहाँ केवल ये बेचने आए हो? हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा भेजे हैं या फिर कोई लाया है? नहीं, हमारा मम्मी पापा लाए थे, 9 महीना हो गए। 9 महीने हो गया, तो मालिक तुम्हें पैसा देता है? पैसे दे दिया, 50,000 जितना ले सकता है। अच्छा, अब तुमसे बेचवाएगा वो हमेशा? कौन, मैं जाऊंगा घर, 10-12 महीना जाएगा। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ लाए, छोड़ के चले गए? नहीं, मालिक ही लाया था, मौसी का लड़का है ना मालिक। हाँ। बाप रे बाप। तो अच्छा ये बताओ कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ की हो? 5 क्लास पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिए? छोड़ दिए, 3 साल से करता हूँ। चलो तो तुम्हारे आज, तुम्हारा आज खिलौना पूरा कितने का है? तुम्हारा पूरा खिलौना 4,000 रुपये का है। चलो ठीक है, हम तुम्हारा पूरा खिलौना भी ले रहे हैं, और तुम्हें कुछ हम पैसे भी देंगे, उससे तुम क्या करोगे, अपने लिए कुछ किताब खरीदना, कुछ पढ़ना घर पे, और हो सके तो ट्यूशन भी जाना, ठीक है ना? और यार ये लो पैसा, क्या मैं आने वाले साल जो 2-3-4-5-6-7 ये लो 10,000 रुपये है, ये 10,000 कितना है? 10,000 10,000 रुपये है, ले लो। तो नहीं नहीं, ये सामान तुम रख लो, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम सामान रख लो, तुम्हारा हम पूरा ये सामान भी तुम रख लो, और एक काम करना तुम, अब जा करके, अब तुम्हारा, अब आज का तो तुम्हारा काम हो गया, आप रूम पे लगाऊंगा माल का धंधा करने निकलूंगा, 5 बजे भीड़ लगता है ना। आज तुम कुछ मत करना, आज जाके तुम घर पे रेस्ट करना, मालिक डांटेगा ना, आज तो तुम्हारी इतनी कमाई हो गई है ना, अभी वो नहीं सुनता है ना, इसीलिए तब भी वो करवाएगा।
इससे बड़ा यार हमारे ना देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिसे पढ़ना चाहिए यार, उससे सामान बिछवाया जा रहा है ना, इसलिए जितना दो तब भी पेट नहीं भरेगा, जितना दोगे पेट नहीं भरेगा उसका। ये देख लो हमारे इंडिया का ये हमारे वो है, मैं कहना नहीं छीन छो लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है यार। जितना आप लोग हेल्प कर सको ना उतना हेल्प करो। चलो ठीक है बेटा, फिर बहुत लोग करते हैं। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, सामान तुम अपना सब रख लो। ओ ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क न हो नैना अश्क न हो। क्यों बेटा बड़े धूप में बैठे, कुछ खाए हो? नहीं खाए, कुछ खिला दो। कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दो। ये लो 1500, तुम लो 1500, तुम लो और जाके कुछ खा लेना। ठीक है ठीक है। इस तरफ चलेंगे क्या? नहीं, चलिए आप हमको सिविल लाइन तक छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना दूर है सिविल लाइन? सिविल लाइन काफी दूर है, सिविल लाइन धूप मत जाइए आप। नहीं आप चौराहे से टेम्पो पकड़ लेंगे, 10 मिनट पहुँच जाएगी, इससे चढ़ाई पड़ेगी, बड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए थोड़ा हमें छोड़ दीजिए आप, हमारा वहाँ तक छोड़ देंगे। चलिए अच्छा वहाँ तक छोड़ दीजिए आप, देंगे आप चौराहे तक का, हम फिर छोड़ देंगे फिर। क्या बात कर रहे हो आप, वाह। अरे जान भाई सिविल लाइन चौराहे फिर छोड़ देंगे आप, बस करिए छंटर छोड़ दीजिए। मेरी वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, छोड़िए एक मिनट, रुकिए आप रुक जाइए एक मिनट। वहाँ तक टेम्पो मिलेगा? हाँ वहाँ तक छोड़ दोगे आप? वहाँ तक छोड़ सकते हैं, पैसा हमको मत दीजिए सर। अरे ये पैसा मत दीजिए, ये लिए 7000 रुपए। अरे रख लीजिए, अरे सुनिए सुनिए हमारी बात, आप एक अपने लिए दूसरा रिक्शा ले लीजिएगा, नया रिक्शा ले लीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा हमें। चलिए ठीक है, अरे ठीक है रख लीजिए। अंकल संगम चलना है मुझे, कितना? 20 रुपए। चलिए रुकिए बैठने दीजिए। कितना कमाए हैं देखो? कुछ नहीं मिला। धूप है आप चला रहे हैं, अच्छा रोक दीजिए, बस करिए यहीं रोकिए, रोकिए यहीं पे, यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए, बस 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 यहीं रोक दीजिए, यहीं रोकिए, बस बस रुकिए रुकिए। 20 रुपये हुआ ना आपका, अभी तो आप वहाँ पहुँचाए भी नहीं, लेकिन लीजिए ये हमारी तरफ से, आप कुछ रख लीजिए। अरे नहीं नहीं गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है रात आती है, रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दो